शायरी में तुम्हारा जिक्र ना हो, मेरी किसी शायरी में तुम्हारा जिक्र ना हो, ये तो मेरी कलम की मेरे जज्बातों से बेमानी होगी। और जिस पल करोगे तुम मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह से भी मोहब्बत, जिस पल करोगे तुम मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह से भी मोहब्बत, उस पल तुम्हारे सामने बेपर्दा तुम्हारी हिमानी होगी। शुक्रिया। और जो मेरी ये नेक्स्ट पोएट्री है, इसका शीर्षक तो कुछ नहीं है, आपको समझ आएगी। पीरियड्स। महज 14 साल की थी मैं जब मुझे इसका मतलब पता चला था, और मेरी सलवार पर लगे लाल दाग को देखकर एक लड़का बहुत हंसा था। शायद उसे अंदाजा ना था कि उस हफ्ते भर के पेट दर्द को मैंने कितना सहा था। महज 14 साल की थी मैं जब मुझे इसका मतलब पता चला था। याद है मुझे माँ वो दिन जब तूने मुझसे शिवरात्रि का व्रत भी रखवाया था। याद है मुझे माँ वो दिन जब तूने मुझसे शिवरात्रि का व्रत भी रखवाया था, और उसी शाम मुझे अपवित्र बोलकर घर के कोने में बैठाया था। सोच कर देख माँ, तूने मुझे मंदिर जाने से क्यों रोका होगा। क्या पता मंदिर के अंदर बैठी उन माताओं को भी महीना होता होगा। ऐ खुदा, क्या तूने ये दुनिया बनाते समय लोगों को कुदरत का ये नियम नहीं बताया था कि पीरियड्स इज ए नेचुरल प्रोसेस, तो फिर क्यों माँ ने मेरी ये लड़की होने की निशानी को एक काली की तरह छुपाया था। क्यों दुनिया वालों ने पीरियड्स को एक गंदा सच बताया था। ये तो शुरुआत है नई दुनिया को, ये तो शुरुआत है नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने की, कोई बुरा कर नहीं है। हाँ होता है मुझे महीना, और मुझे इस बात की जरा भी शर्म नहीं है। और जो मेरी ये नेक्स्ट पोएट्री है, सब लड़के कृपया करके अपने ऊपर ना लें, उन लड़के के लिए जो बदतमीज होते हैं, सब नहीं होते हैं ना, कि होती है जब भी उसे जरूरत मेरे जिस्म की, होती है जब भी उसे जरूरत मेरे जिस्म की, वो मुझसे मोहब्बत करता है। हो जाती है जब उसकी हवस पूरी, तब अपने वो हर वादों से मुकरता है। नहीं समझता वो मेरे जज्बातों को, नहीं समझता वो मेरे जज्बातों को, कि ये दिल उसकी हर हरकतों से वाकिफ होकर भी सिर्फ उससे ही प्यार करता है। होती है जब भी उसे जरूरत मेरे जिस्म की, वो मुझसे मोहब्बत करता है। गलत वो नहीं, गलत वो नहीं, गलत तो ये दिल है, गलत वो नहीं, गलत तो ये दिल है जो उससे प्यार करता है, जिसका हर एक दिन हर रोज नई लड़की के साथ गुजरता है। दूर जाऊं भी तो आखिर उससे कैसे मैं, दूर जाऊं भी तो आखिर उससे कैसे मैं, क्योंकि वही तो इंसान है जो मुझे जख्म देकर खुद ही उन जख्मों को भरता है। होती है जब भी उसे जरूरत मेरे जिस्म की, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अमित भैया, अपनी मर्जी से चुनती हो किसी दरिंदे को, अपनी मर्जी से चुनती हो किसी दरिंदे को, फिर कहती हो सारे मर्द एक जैसे होते हैं। गुजार कर एक के साथ ना जाने कितनी रातें, क्यों कहती हो ये सारे मर्द ना जाने और कितनों के साथ सोते हैं। आंख बंद कर देखे उन्हें अपना तन, आंख बंद कर देखे उन्हें अपना तन, क्यों कहती हो ये सारे मर्द मन के नहीं होते हैं। अपनी मर्जी से चुनती हो किसी दरिंदे को, फिर कहती हो सारे मर्द एक जैसे होते हैं। और मेरी जो ये पोएट्री है, बॉयज के लिए बोल दी, गर्ल्स के लिए भी होता है काफ़ी, आपके साथ भी होगा, कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आती है, उसे हमसे तो मोहब्बत नहीं होती, हमारे पैसों से शॉपिंग, खाना पीना, बड़े बड़े होटल्स, इन सबसे मोहब्बत होती है। तो कुछ उन्हीं लड़कियों के लिए मैंने लिखा है कि देखो किस कदर वो लड़की अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही है, देखो किस कदर वो लड़की अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही है।
फंसा कर किसी गरीब की औलाद को उसका घर बर्बाद कर रही है। और नहीं है कदर उसे मोहब्बत के रिश्तों की, नहीं है कदर उसे मोहब्बत के रिश्तों की, तभी तो मोहब्बत के नाम को यूं बदनाम कर रही है। देखो किस कदर वो लड़की अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही है। वो अमित जी पर भी मर रही है, वो कैलाश पर भी मर रही है, वो अमित जी पर भी मर रही है, वो कैलाश पर भी मर रही है, और उनके पीठ पीछे न जाने किस किस से उसकी सेटिंग चल रही है। अरे कितनी दिलकश है वो लड़की जो हर रही लड़के से अपनी मोहब्बत का यूं इजहार कर रही है। देखो अपनी खूबसूरती का वो लड़की किस कदर इस्तेमाल कर रही है। और खोने से अपने एटीएमों को वो भी इस कदर डर रही है, खोने से वो अपने एटीएमों को इस कदर डर रही है कि मिलने से पहले सबसे अपने व्हाट्सएप की हर चैट डिलीट कर रही है।